नमस्कार दोस्तों, एक नया IPO आ रहा है, सेंको गोल्ड एंड डायमंड। ये जो कंपनी है वो 1994 में आई थी और इनका जो मेन काम है, जो प्रोडक्ट्स है, ये है, ब्रांड नेम है सेंको गोल्ड और डायमंड। गोल्ड और डायमंड का काम करते हैं, ज्वेलरी है ये। इनका पैन इंडिया में काम है और मेन लोगों में आते हैं सेंको गोल्ड प्राइमली सेल्स गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी अलोंग विद द ज्वेलरी मेड ऑफ सिल्वर प्लेटिनम प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, इसका काम है। और इनके जो विद कैटलॉग ऑफ 1,08,000 डिज़ाइंस गोल्ड और मोर देन 46,000 डिज़ाइन फॉर डायमंड, इतने इनके पास जो डिज़ाइंस है वो अवेलेबल है। और इनका जो 170 स्किल्ड लोकल क्राफ्टमैन है इनके पास कोलकाता के अंदर अक्रॉस द कंट्री। और इसका जो सेंको का है वो IPO डेट है 4 तारीख का और क्लोजिंग है 6 तारीख को। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। प्राइस 301 से 317 रुपये है। लोड साइज 47 का है। टोटल जो इशू है वो 405 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू है जो 270 करोड़ है। OFS मतलब ऑफर फॉर सेल है 135 करोड़। ये क्या है, अपनी बोरोइंग्स जो ली है उसको चुकाने के लिए यूज़ करेंगे। और BSE NSE IPO है। टोटल जो शेयर है वो है 69 करोड़ के आसपास शेयर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो मेन आता है, बेसिक अलॉटमेंट 11 तारीख को मिल जाएगा, रिफंड आपका 12 तारीख को शुरू हो जाएगा। और जो डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होंगे शेयर वो 13 तारीख को हो जाएंगे, लिस्टिंग 14 तारीख को होगी, ये आपके देख रहे हैं। और इसके अंदर पहला जो रिटेल के लिए एक लोट के साइज़ है 47 शेयर मिलेंगे 14,899 के लिए। मैक्सिमम आप 13 लोट के लिए कर सकते हैं जिसमें 611 शेयर मिलेंगे 1,93,687 शेयर रुपये लगेंगे। स्मॉल HNI के लिए 14 लोट ले सकते हैं 658,2,08,586 रुपीज़। स्मॉल HNI मैक्सिमम ले सकते हैं 67 लोट जो कि 3,149 शेयर मिलेंगे 9,98,233 रुपीज़। और जो बिग HNI है उनके लिए मिनिमम जो लोट साइज़ है वो 68 है और जिसके अंदर शेयर मिलेंगे 3,196, जिसकी जो टोटल वैल्यू होती है 10,13,132 रुपीज़। ये आपके सामने जो इशू है उसके जो शेयर होल्डर हैं अभी उनके पास जो कंपनी का हिस्सा है 76.92, इसका मतलब ये पहले भी डाइल्यूट कर चुके हैं अपना। और जो प्रमोट OFS में क्या आएगा कि जो कंपनी के अंदर अभी 76 के अलावा जो अंदर बैठे हैं इन्वेस्टर बैठे हैं वो अपना पैसा लेके निकल जाएंगे इधर से सेंको गोल्ड के अंदर से। तो जो ये ऊपर दिखाया मैंने, ये देखिए 135 करोड़ रुपए ये जो कंपनी के अंदर अभी बैठे हैं इन्वेस्टर उनके पास चले जाएंगे। QABs को पोर्शन 50% दिया गया है, नॉन रिटेलर को 15% दिया है और रिटेलर को 35% पोर्शन दिया गया है। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल देखें तो इनके जो टोटल एसेट है वो 2021 में 1,559 थे करोड़ रुपीज़ के अंदर आ रहे हैं ये, और अब ये 2,905 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। रिवेन्यू में भी ग्रोथ है, डबल से थोड़ा कम होगी ये। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है और नेटवर्थ भी ठीक बढ़ी है, 200 करोड़ का गैप आ रहा है। और जो रिज़र्व इनके पास हाथ में है वो पहले 2021 में 536 करोड़ रुपए थे और आज के टाइम 876 करोड़ रुपए हैं इन। लेकिन मेन नेगेटिव यहाँ पे भी है, इनकी बोरोइंग्स भी बढ़ी है। 2021 में 532 करोड़ रुपए चके थे इन्होंने, 2022 में 862 करोड़ रुपए चके थे 863, और 2023 में 1,177 करोड़ रुपीज़ इन्होंने चके हैं लिए। मतलब ये आपके सामने, ये क्या PE रेशियो है इनका 15.53, मार्केट कैप 2,462 करोड़ रुपीज़ की है। ROE है 18.9%, ROCE है 14.2% और EPS है 22.93। और इसका जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू है ये आप देख लीजिए, मेरे को ये अच्छा लगा क्योंकि इसका ग्रे मार्केट की बात करें तो जो ग्रे मार्केट है ये आपके सामने है, ये देखिए ग्रे मार्केट, ये आपके सेंको का आ गया। 29 तारीख को ये 48 रुपये चल रहा था, 30 तारीख को 70 रुपये हो गए और 1 तारीख को आज के टाइम 92 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के पीछे आपको फ़ायदा दिखा रहा है। 47 आपको शेयर मिलेंगे
इंटू 92 कर लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा लगभग 30% के आसपास का आपको फ़ायदा दिखा रहा है। ये था सेंको गोल्ड लिमिटेड, गोल्ड एंड डायमंड।